हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम हैं अहमदनगर, और अहमदनगर जाना जाता है ऐतिहासिक शहर। और आज हम उसी एक प्लेस को एक्सप्लोर करेंगे। वो प्लेस है चांद बीबी महल। चांद बीबी महल अहमदनगर सिटी से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पे है। और देख सकते हैं कि आप यहाँ का व्यूज़ बारिश के मौसम में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और दोस्तों, ये है चांद बीबी महल के सामने का व्यूज। और देख सकते हो कि पुरातत्व विभाग ने यहाँ पे चांद बीबी महल के बारे में पूरी जानकारी। Thank you.
आज हम अहमदनगर शहर के पास हुए चांद बीबी महल को विजिट करने वाले हैं। अहमदनगर शहर से 12 किमी दूर शाह की टेकड़ी पे चांद बीबी महल स्थित है। दूसरे सलाबत खान इनकी कब्र यहाँ का मुख्य आकर्षण है। सलाबत खान 1565 और 1588 के महान राजकारणी और मंत्री थे। ये वास्तु जिसका हम जिक्र कर रहे हैं चांद बीबी, ये वास्तु 3 मंजिली है और अष्टकोनी है। वास्तु कला का एक स्थापित नमूना है। यहाँ के जो स्थानिक है उन्होंने चांद बीबी जी के सम्मानार्थ चांद बीबी महल यह नाम भी दे दिया था। ये वास्तु सलाबत खान इन्होंने 1580 में बनवाई थी। लगभग 70 फीट ऊंची और 20 फुट रुंदी में ये वास्तु स्थापित है। इनके सिवा यहाँ पर उनकी दो बेगम और बच्चे, इनकी भी कब्र जानी जा चुकी है। चांद बीबी इनको और कई नामों से भी जाना जाता है, ये संदर्भ आया है, जैसे कि चांद सुल्तान, चांद खातून। ईस्वी सन 1550 और 1599 ये कालखंड में आदिल शहर निजामशाही के दक्खन के राज्यपाल की रानी ये किताब भी चांद बीबी को जाना जा चुका है। चांद बीबी जी ने विजापुर और अहमदनगर इन राज्यों का संरक्षण भी किया है। अहमदनगर में सम्राट अकबर और मुगल सैन्य में जो लड़ाई हुई थी, मुठभेड़ हुई थी उसमें, और वहां से चांद बीबी जी को पहचाना जाने लगा। बीबी जी अच्छे चित्रकार थे और सतार बजाना उनका एक शौक माना जाता था। इनका निकाह बीजापुर के पहले आदिल शाह इनके साथ हुआ था। चांद बीबी जी बहुत से भाषाएं भी जानती थी, जैसे कि अरबी, फारसी, मराठी, कन्नड़ और तुर्की एंड इंग्लिश। चांद बीबी पहले निजाम शाह हुसैन इनकी लड़की थी और बरानपुर मुल्क की रानी